हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो ये आपको स्टेटर दिख रहा है, ये मथानी मोटर का है। अब इसकी नाप कर लेते हैं। ये 1.25 इंच है और ये इसका इनर डायर 2.5 इंच है तकरीबन, और इसका आउटर डायर 4.25 इंच है। इसमें जो हम वायर यूज करेंगे वो होगा 34 नंबर का एल्युमिनियम वायर है। ये एल्युमिनियम वायर से इसको वाइंडिंग करेंगे। आज हमने इसकी चार चार क्वाले बना के रख ली हैं पहले से ही, और इसकी जो क्वाल का साइज होगा वो है 19 इंच। 19 इंच की गुलाई में हमने ये क्वाले बनाई हैं। सबसे पहले इसको इसमें हम रनिंग की क्वालों को इंस्टॉल करेंगे। रनिंग की हमने चार क्वाले बना ली हैं। इसका जो गेज है, वायर गेज, वो है 34 नंबर का। ये आप देख रहे हैं 1 से 4 में इसको इंस्टॉल किया है। ये पिच है, क्वाल पिच। चार क्वाले बनाई हैं हमने 19 इंच की, और इसमें जो टर्न दिए हैं वो है 220। सभी क्वालों में हमने 220 टर्न दिए हैं, और जो वायर है, वायर नंबर, वो है 34 नंबर का। इसमें जो क्वाइल पिच है वो 1 से 4 है एक राउंड, और 1 से 6 2 राउंड। ये इस तरह की क्वाइल पिच है। आप देख रहे हैं 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड है। बीच में 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, और सेम जितनी भी ये रनिंग की क्वाइलें हैं ये सारी इसी तरह से इंस्टॉल होगी। जो इसकी क्वाइल पिच होगी सभी की, वो 1 से 4 1 से 6 होगी। 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। एक क्वाल इंस्टॉल हो चुकी है, ये दूसरी क्वाल इंस्टॉल हो रही है। सभी क्वालों का सेम ही क्वाल पिच रहेगी, 1 से 4 और 1 से 6। जब आप क्वाल को इंस्टॉल करें तो आपने पीवीसी पेपर जरूर लगा देना है। इसमें हमने 5 नंबर का पीवीसी पेपर यूज किया है। क्वालों जब क्वाल को हम इंस्टॉल करते हैं तो ऊपर से पीवीसी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पीवीसी नहीं लगाएंगे तो इसके वायर होंगे वो बाहर निकल आएंगे और रोटर से टकराएंगे, तो इस करके वो टूट जाएंगे। इसलिए पीवीसी पेपर लगाना ज़रूरी होता है। इसमें ये एल्युमिनियम से वाइंड हो रही है। अगर आप कॉपर से वाइंड करना चाहते हैं तो उसमें आप 35 नंबर का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा सेम ही रहेगा, क्वाल पिच सेम ही रहेगी, और जो इसकी क्वाइल की गुलाई होगी वो भी सेम ही रहेगा। सारा कुछ सेम रहेगा। आप 35 नंबर से वाइंड कर सकते हैं कॉपर से अगर करना चाहते हैं तो। ये मैंने चारों रनिंग की क्वाइलें जॉइंट क्वाइलें बनाई हैं, तो इस करके इसमें जॉइंट नहीं होंगे। और जब भी आप जॉइंट क्वाइलें बनाएं तो विशेष तौर से ध्यान रखें कि किस तरह से कौन सी क्वाइल को इंस्टॉल करना है। या अगर आप सिंगल सिंगल क्वाइलें बनाते हैं तो आपने 1 से 3 ही कनेक्शन करने हैं, और अगर आप जॉइंट क्वाइल बनाते हैं तो उसी के हिसाब से 1 से 3 कनेक्शन के हिसाब से ही आपने क्वाइल को इंस्टॉल करना है। ये तीसरी क्वाइल इंस्टॉल हो रही है। दोस्तों, जब भी आप क्वाइल डालें तो बड़ी सावधानी से डालें। कोई भी वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए, छिलना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, वरना आपकी मोटर सही से काम नहीं करेगी। बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपने जो क्वाइल इंस्टॉल करनी है वो बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि कोई भी एक भी वायर अगर छिल जाएगा या टूट जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर कोई भी वायर छिलता है तो ये इसमें करंट लगने का भी डर रहता है, इसलिए विशेष सावधानी के साथ इसको इंस्टॉलेशन करें। ये चौथी और आखिरी क्वाइल इंस्टॉल हो रही है रनिंग की। इसका हमने 1 से 4 में एक राउंड डाल दिया है। अब इसके 1 से 6 में 2 राउंड डालने बाकी है। जब आप क्वाइल बनाएं, अगर आपकी क्वाइल बिखर रही है, वायर इधर उधर जा रहे हैं एक दूसरे से, क्वाइल अगर आपकी ख़राब हो रही है, तो आपने वायर से या फिर आपने किसी धागे से उसको बांध देना है, ताकि आपकी क्वाइल बिखरे ना। इस बात का भी ध्यान रखना आपने। मैंने इसको धागे के साथ में बांधा हुआ है,
जिससे कॉइल साफ भी रहती है और उसके वायर इधर उधर नहीं होते हैं, थोड़ी आसानी होती है। आप देख रहे हैं कि ये रनिंग की चारों कॉइलें इंस्टॉल हो चुकी हैं, इसमें से टोटल दो वायर निकले हैं, एक इनर साइड का और एक लास्ट साइड का। ये देखें बढ़िया सफाई है, चारों रनिंग की कॉइलें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमने स्टार्टिंग की कॉइलें इंस्टॉल करनी है, हमने कॉइल बना के पहले से ही रख ली थी। दोस्तों मैं बता दूं इसमें भी वायर गेज 34 नंबर का ही रहेगा और इसके जो गुलाई है, जो इसकी कॉइल की लंबाई है, वो 19 इंच ही रहेगी गुलाई में। आप चाहे तो थोड़ी सी छोटी कर सकते हैं, आधा इंच, आपकी कॉइल को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप आधा इंच छोटी भी रखते हैं तो। और जो इसमें टर्न है वो भी सेम ही है, 220 टर्न दिए हैं हमने। और इस डेटा के साथ मैंने बहुत सारी मथानी मोटर रिवाइंड की है, बहुत बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस होती है। आप चाहे तो कॉपर से करें या एल्युमिनियम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका पूरा डेटा है वो सेम ही है। आप चाहे तो कॉपर सिवाइन करते समय एक नंबर बढ़ा सकते हैं, 34 की जगह 35 कर सकते हैं, 35 नंबर से और बढ़िया चलती है। तो ये पहली कॉइल इंस्टॉल हो रही है स्टार्टिंग की। दोस्तों आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको पूरा डेटा मिलेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी मदानी मोटर से। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी वाइंडिंग करने में। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वाइंडिंग का काम करते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, आपको एक मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीखना है तो थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, जितनी भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। दोस्तों आपको अगर किसी और मोटर के डेटा चाहिए हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, आप मेरे चैनल टेक एंड एस के इलेक्ट्रिक में ज़रूर विजिट करें, उसमें आपको कई तरह की वीडियो मिलेगी, फराटा फैन की, सीलिंग फैन की, मिनी सीलिंग फैन की, एग्जास्ट फैन की, मोटर किट की, स्टैंड फैन की, कई तरह की वीडियो डाली हुई है उसमें, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको रिवाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, बहुत ही इजी तरीका है इसको वाइंड करने का। अगर आप एक बार पूरा ध्यान से वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टार्टिंग की कॉइलें हैं जो कि दो कॉइल डल के रेडी हो गई हैं। दोस्तों इसकी भी कॉइल पिच होगी वो 1 से 4, 1 से 6 होगी, 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। और जब भी आप इसकी स्टार्टिंग की कॉइल डालें तो ध्यान रहें कि जो रनिंग की कॉइल का 1 से 4 का जो पिच होती है वो दो कॉइलों के बीच में, जिसमें सिंगल सिंगल कॉइल डली है उसी में डालना है आपने। चौबीस स्लॉट की ये स्टेटर है, 24 स्लॉट के हिसाब से ही आपने कॉइल पिच बनानी होती है, उसी हिसाब से इसकी कॉइल पिच तैयार होती है, उसी हिसाब से हम इसकी कॉइल बना के इंस्टॉल करते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो मदानी मोटर के कनेक्शन से संबंधित था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कनेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको मदानी मोटर के कनेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
उसमें पूरी तरह से समझाया किस तरह से कनेक्शन करने हैं, और बाकी का पूरा डाटा इस वीडियो में मिलेगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगला वीडियो मदानी मोटर की फुल वाइंडिंग का आएगा, तो इसको आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग की आखिरी कॉइल इंस्टॉल हो रही है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इसके बाद में इसके जो कनेक्शन है मोटर के वो बताए जाएंगे। इसके बाद में आपको ये चला के दिखाई जाएगी किस तरह से काम करती है, किस तरह से चलती है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा। ये 1 से 4 में एक राउंड डाल दिया है और अभी 1 से 6 में डाला जा रहा है। जब भी आप कॉइल बनाएं तो उसकी लंबाई नापने के लिए आप स्टेटर को, खाली स्टेटर को किसी धागे या फिर स्लिप से इसको, इसकी लंबाई को नाप सकते हैं, उस हिसाब से कॉइल बनाएं। अगर आपने नया नया काम चालू किया है तो मेरी आपसे सलाह है कि आप थोड़ी सी कॉइल बड़ी बनाएं, ताकि कॉइल को स्लॉट में डालने में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर छोटी बनाएंगे तो दिक्कत होगी शुरुआत में। जैसे ही धीरे धीरे लोग काम करते जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हाथ में सफाई आती जाती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, ये चारों कॉइल स्टार्टिंग की डल की भी तैयार हो गई हैं। पहले रनिंग की 4 कॉइल डाली थी और अब बाद में स्टार्टिंग की। इसमें से भी 2 ही वायर निकले हैं दोस्तों। इन 2 कॉइलों के बीच में, स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में, एक ग्रीन पेपर आता है, उसको लगाते हैं। या आप वाइट पेपर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें ग्रीन पेपर में लगा रहा हूँ इसमें। तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि दोनों कॉइलों के बीच में कोई हीटिंग ना हो, कॉइल सेव रहे। अगर कोई भी कॉइल जलती है तो दूसरे कॉइल में कोई दिक्कत ना हो, शॉर्ट ना हो दूसरी कॉइल, इसलिए इसको लगाया जाता है। और जो ये धागे से हम इसको बांध रहे हैं ताकि कॉइल बिखरे ना और इसमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन ना हो, इसलिए इसको एक धागे के साथ में अच्छी तरह से बांधा जाता है। हमने यहाँ पे इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर पूरा वीडियो स्लो मोशन में चलाएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी है। आप बड़े आराम से इसको सिलाई करें, कोई भी वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और आप जिस तरह से सिलाई करने में कंफर्टेबल हो, आप उस तरह से सिलाई कर सकते हैं। ये एक साइड की सिलाई लगभग तैयार हो चुकी है। इसके बाद में आपको दूसरी साइड से कनेक्शन करके सिलाई बताएंगे। इसको कैंची से काट देते हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ से सिलाई हो चुकी है, बढ़िया फिनिशिंग है इसमें। अब दूसरी तरफ से 4 वायर निकालते हैं इसके, स्टार्टिंग के 2, रनिंग के। इसमें 0 नंबर की स्लिप डाल देते हैं 1 नंबर की, और हमने इसमें से हमने 3 ही वायर निकाल लिए हैं। हमने एक स्टार्टिंग के, एक रनिंग को लेके एक दोनों का सीरीज बना दिया है, कॉमन बना दिया है, जिसमें हम रेड वायर यूज करेंगे। और बाकी की जो एक स्टार्टिंग एक रनिंग का बचा है, उन दोनों में ब्लू वायर यूज करेंगे, क्योंकि ये मदानी मोटर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमने इसको कुछ देर सीधा चलाना है और कुछ देर उल्टा चलाना है। तो आप जब इसके स्विच के साथ में जब आप इसके कनेक्शन करते हैं तो उल्टे सीधे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए इसके कनेक्शन करना बड़ा ही सिंपल तरीका है। अब ऊपर से इसमें हमने 3 नंबर की स्लिप डाल दी है,
आप चाहे तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, उससे और मजबूती आती है। अब इसमें ग्रीन पेपर इंस्टॉल कर देते हैं बीच में। इसके बाद में इस मोटर की सिलाई करते हैं। इसके बाद में फिर आपको चला के दिखाएंगे किस तरह से चलती है ये मोटर। अगर आपके पास टाई रखी है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बांधने में प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा इसमें। जैसे मैंने इसमें लगा दी है, ये छोटी टाई है, इसको लगाने से इसके जो कनेक्शन करते हैं हम, जो शिल्पें होती हैं, वो बड़े आराम से सेट हो जाती हैं। तो इसको भी जल्दी से बांध देते हैं पूरी मोटर को। आप इसमें चाहे तो इंसुलेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉपर में ज़रूरी होता है कि उसमें इंसुलेशन अगर डाल दें तो उसकी एज, जो उसकी अवधि होती है, वो काफ़ी लंबी हो जाती है। उसमें काफ़ी मजबूती मिलती है, जल्दी से वायर स्क्रैच नहीं होते हैं। और जो ये एल्युमिनियम है, आप अगर आप इसमें डाल भी दें तो इसमें मजबूती ही मिलेगी, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है। मैंने तो इसमें नहीं डाला है, मैं सिर्फ कॉपर वायर में, जब कॉपर वायर से वाइंड करता हूँ तभी डालता हूँ। दोस्तों, ये बंद के कंप्लीट हो गई है। अब इसको सेट कर देते हैं मोटर से, मदानी मोटर से, मदानी मोटर को इंस्टॉल कर देते हैं बॉडी में। इसके बाद में चला गया, आप देख रहे हैं कि दो वायर ब्लू के निकले हैं, एक वायर रेड का निकला है जो हमने कॉमन बनाया है। ये देखो कितनी बड़ी फिनिशिंग के साथ इसको रेडी किया है। अब इसको इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, इसमें डालने के लिए बहुत ही सावधानी से डालना चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये थोड़ी सी भी टेढ़ी इंस्टॉल होती है तो फिर आपका रोटर सही तरह से घूमेगा नहीं, फंसेगी मोटर चलने में। ये लोहा काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उसी के हिसाब से इसमें इसको सेट करें। ये हमने सेट कर दी है। अब इसमें कैपेसिटर यूज करेंगे। जो हमने कैपेसिटर इसमें लगाया है वो 315 का है। दोस्तों, जो हमने ये कॉमन बनाया है इसको डायरेक्ट पावर के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो ये दो वायर ब्लू के हैं, इन दोनों में हम कैपेसिटर को ज्वाइंट करेंगे। ये 315 का कैपेसिटर है, दोनों ब्लू वायर में एक एक सिरे में इसको ज्वाइंट कर देते हैं। इसके बाद में स्विच से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको चला कर दिखाते हैं। ये दोनों सिरे हमने ज्वाइंट कर दिए। अब आप इसमें देखना, इसको यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिखाया है कि इसके कनेक्शन का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इसके कनेक्शन करना भी बड़ा सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधे दोनों घुमाना है, इसलिए इसमें सीधे उल्टे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ये देख रहे हैं, 3 पिन वाले दोनों बार बार वाले पिन पे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया है। जो सेंटर का है उसमें हमने मैन पावर कर दिया हुआ है। और ये जो हमने कॉमन बनाया है वो ऑन ऑफ वाले स्विच में इसको कनेक्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं, अभी हमारे कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको सेट कर देते हैं ढक्कन को। इसके बाद में आपको चला के दिखाते हैं। आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है किस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। अगर आप इसमें इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तो इंडिकेटर भी आपने इसी तरह से लगाना है। जो ये मैन पावर की लाइन, जो मैन पावर वाला ये वायर आता है, इसी में दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है इंडिकेटर को, तो ऑन ऑफ की स्थिति को बताता है कि ये ऑन है या ऑफ है मोटर। फिलहाल इसमें है नहीं इंडिकेटर, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर इंडिकेटर होता तो आपको उसके बारे में बताया जाता। आप इसको चला के दिखाते हैं किस तरह से चलती है ये।
ये मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें पावर देते हैं, ये देखो कितनी बढ़िया चल रही है, अच्छी स्पीड है इसमें, ये बढ़िया स्मूथ चल रही है। अब इसको पूरा सेट कर देते हैं, इसके बाद चलाते हैं। ये देखिए ये पूरी सेट कर दी है, कितनी बढ़िया स्पीड के साथ चल रही है ये, जिस तरफ चाहे आप उस तरफ घुमा सकते हैं इसको। ये एकदम कंप्लीट हो चुकी है मोटर। दोस्तों आप किसी तरह के और वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल टेक एंड एस के इलेक्ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।